सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। आज शख्सियत में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पे एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। जो शिक्षिका भी हैं, समाज सेवी भी हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, जो फैशन डिजाइनर भी हैं। हमारे साथ श्रद्धा सक्सेना मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धन्यवाद प्राइम टीवी का, मयूरी आपका भी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी, पहले तो प्राइम टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और नवरात्रि है तो जय माता दी। मैं श्रद्धा सक्सेना, मैं अंश वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ, और हमारी संस्था कई सारे कार्यक्रमों को गरीब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत से कार्यक्रम ऐसे ऑर्गेनाइज कर चुकी है कि जिसमें बच्चों को एक मंच देने का मौका मिला, उन बच्चों को जिनको कहीं भी मंच नहीं मिल पाता था उनको आने का मौका मिला। हम 2013 से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। इसी को करते करते मैंने, जो मेरा बहुत पहले का सपना था, तो मैंने बड़े साल पहले 2004-05 में मैंने स्किन का कोर्स किया था, स्किन स्पेशलिस्ट, एज अ स्किन स्पेशलिस्ट कोर्स किया था। लेकिन मेरा, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं मतलब लोगों के चेहरे पे कुछ करूं, क्योंकि मुझे लगता था औरतें तो वैसे ही बड़ी सुंदर हैं, लेडीज़ बहुत खूबसूरत होती हैं बिल्कुल भी, और मुझे लगता था कुछ ना कुछ उन पे करना चाहिए, और उनकी आँखें कैसे अच्छी लगें और अच्छे को कैसे अपने को ग्रूम कर सकती हैं अपने को, खुद को। तो ये मेरा पैशन था कि नहीं, मुझे ये करना है। ड्राइंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तो ब्रश से खेलना मुझे बहुत पसंद था। मैं कभी भी जब ड्राइंग स्केचिंग करती हूँ, कलरिंग करती हूँ, तो मैं डायरेक्ट कभी भी पेंसिल से नहीं करती थी, मैं हमेशा ब्रश और पेंट या कलर्स लेके करती थी। कोविड तक तो आपने जैसे कहा कि मैं शिक्षिका हूँ जी, तो कुछ हर एक इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो मेरे भी लाइफ में आए कुछ सर्कमस्टेंसेस के मुझे अपना पैशन, क्योंकि मैंने डिग्री ली है फैशन टेक्नोलॉजी की, मैं इंजीनियर हूँ फैशन टेक्नोलॉजी में, और मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी, काफ़ी साल मैंने दिल्ली में जॉब किया है, अब बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने नौकरी करी। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि मुझे दिल्ली से यहाँ वापस आना पड़ा, तो क्योंकि मैं अपने मदर फादर की इकलौती बेटी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत थी, भाई बहन मेरे कोई और थे नहीं। तो शादी हुई, बच्चे हुए, मेरे दो बेटे हैं, उनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई, और आई एम अ सिंगल पेरेंट, और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रही हूँ, बहुत अच्छे से उनकी परवरिश कर रही हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मैंने जब अपनी दिल्ली की जॉब छोड़ी, तो मेरे पास यहाँ, क्योंकि कोई स्कोप नहीं था लखनऊ के अंदर, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं वहाँ से यहाँ फिर नहीं कर सकती थी। मैंने चिकनकारी वगैरह में ट्राई किया, लेकिन जो हम वहाँ पे फील्ड अपनी देखते थे कि हाँ चेयर पे बैठ के एज अ मर्चेंडाइजर बायर बात करते थे, वो चीज़ हम यहाँ नहीं कर पाए। तो मैंने यहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया, एज अ टीचर स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल के साथ साथ मैं इवनिंग के प्रोग्राम्स जो तब यहाँ स्टार्टिंग में होते थे, तो मैं यहाँ पे मतलब एंकरिंग करती थी, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर कुछ VIP इवेंट्स हुए जिसमें काफ़ी बड़े पॉलिटिशियंस भी आए, तो उनके भी मैंने कार्यक्रम में एंकरिंग करी। तो मुझे ये लगता था कि मैं वहाँ से छोड़ के आई हूँ, तो मुझे फादर पे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे मेरे बच्चों को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल देनी है। तो मैं ये दोनों जॉब करती थी, मैं 3 बजे तक अपने स्कूल में रहती थी, और उसके बाद फिर मैं अपने इवेंट्स करती थी। इसी के साथ ही मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। ऑर्गेनाइजेशन मैंने तब स्टार्ट की थी सोच के कि मुझे लगा था कि जब मैं अच्छी खासी कैपेबिलिटी अर्न कर रही थी, तब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो जो लेडीज़ नहीं कैपेबल हैं, उनके बच्चों का और उनका मतलब मैटर कैसा रहता होगा, उनकी लाइफस्टाइल कैसी रहती होगी। तो हमने कई सारे लेडीज़ को जोड़ा जो सिंगल हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हमने ऐड किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत जहाँ हम चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें, जहाँ वो चाहती थी। तो कई ऐसे स्कूल शहर के हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि मतलब उनको बच्चों को काफ़ी कम फीस में एडमिशन दिया, पढ़ाई लिखाई का हमारी टीम ने पूरी खर्चा उठाया कई कई लोगों बच्चों का, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ रही। तो कहीं ना कहीं मेरा जो पैशन था मेकअप वाला, वो दब गया था, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी। फिर धीरे धीरे करते करते समय बीतता गया, कोविड जब हुआ, तो कोविड बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आया मेरी लाइफ में।
कोविड से पहले जब मैं वर्क करती थी तो मैं पार्ट टाइम ये मतलब फेशियल्स एंड एटसेट्रा स्किन का जो भी काम होता था ये मैं करती रहती थी। कोविड के टाइम पे सारा स्कूल बंद, सारी चीज़ें क्लोज हो गई, तो चांस की बात थी कि हमारे आसपास में मतलब जहाँ हम रहते हैं नेबर्स के यहाँ मैरिजेस पड़ी, फंक्शंस पड़े, तो सारे तो सैलॉन बंद थे उस टाइम पे। तब उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि वो जानते थे कि मैं करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा मैं चाहती हूँ कि तुम हमारा ये मेकओवर कर दो। तो उस टाइम पे जब सबने बंद कर दिया तब मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग भी ऐसे करी कि मैं कुछ मिट्टी का सामान लेती थी, मंगवाती हूँ बाहर से मंगवाती हूँ, और यहाँ फुल उसकी फिनिशिंग प्राइमर और सारा कुछ करके मैंने सोचा कि इस बार स्टॉल्स लगेंगी नहीं, तो जो हमारे पास के लोग हैं या अपने ही लिए हम घर पे बना लें, तो मैंने उसको बनाना शुरू किया। तो मैं माँ दुर्गा का फेस बहुत बनाती थी, तो माँ दुर्गा की फेस, उनसे आँखें बनाना, उनका फेस क्लियर करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो आँखें बड़ी खूबसूरत सी बन जाती थी, कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया, तो वो करते करते फिर मैंने मेकअप भी स्टार्ट कर दिया। तो माँ दुर्गा का फेस बनाते बनाते मैं उनकी बनाई हुई सारी प्रतिमाओं को सजाने लगी, तो ये मेरा सफर रहा। और उसके बाद से फिर मैं एज अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं दिल्ली, कानपुर, हरदोई है, फैज़ाबाद है और बाराबंकी, इन सब जगहों पे मैं एज अ फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट जाती हूँ और ये वर्क करती हूँ, जिसको लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मतलब तब जाके मुझे लगा कि हाँ, मेरा ये पैशन कम्प्लीट हुआ है। आपने लाइफ में इतना कुछ हासिल किया है, आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, समाज सेवी भी हैं, शिक्षिका भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, तो कैसे इन सबको लेकर आप तालमेल बैठाती हैं? एक्चुअली मैम क्या है कि एक लेडी ना बहुत सिंपल सोबर रहती है, लेकिन जब उसके ऊपर परेशानियां आती हैं या जब उसको लगता है कि कोई और उसके साथ नहीं खड़ा है, तो वो खुद ही काफ़ी कुछ करने के लिए आ जाती है। और जैसे कि मेरे साथ भी बहुत सी परेशानियाँ आई जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव आए, तो मुझे भी एज अ टीचिंग कभी मेरा प्रोफेशन नहीं रहा, मैं टीचर नहीं बनना चाहती थी, कभी मेरा प्रोफेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि बच्चों की लाइबिलिटी थी मेरे ऊपर, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मुझे बच्चों को उस समय पालने पोसने के लिए मुझे एक जॉब की ज़रूरत थी, तो तब मुझे वो जॉब मिली, तो तब फिर मैंने वो जॉब करी। फिर अब तो खैर मैं नहीं कर रही हूँ वो जॉब, वो कुछ टाइम के लिए मैंने 5 साल के लिए जॉब करी, अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस उसमें बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा शुरू से बहुत क्रिएटिव चीज़ें करने का मन करता था, कि मुझे लगता है कि मैं क्राफ्ट वर्क जैसे बहुत सी पुरानी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो मुझे लगता है नहीं, इसको ये हम ऐसे कर सकते हैं। और जो एक आपने डिज़ाइनर वाली बात कही, वो तो मेरी डिग्री थी ही, तो वो करने में मज़ा आता है। तो क्रिएटिव चीज़ों में ना, जब आपका पैशन आ जाता है, आपका प्रोफेशन बन जाता है पैशन आपका, तो आपको 24 घंटे भी काम करने के लिए कम लगने लगते हैं। जी, आप ये तमाम चीज़ें करती हैं, आपको सबसे ज़्यादा क्या करने में मज़ा आता है? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मस्ती करने में, अपने दोस्तों के साथ घूमने में, अपने जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं सबसे बातें करने में, क्योंकि ये समय अब हम लोगों को बहुत कम मिल पाता है। और आई लव मेकअप, मुझे मेकअप दूसरों में करने में बहुत अच्छा लगता है, कि मुझे लगता है कि इसको और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जो हमारे मतलब एज अ डिज़ाइनर अगर मैं देखूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आपका एक कपड़ा पुराना हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे हटा दें, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ न्यू ऐड कर देती हूँ, कभी कुछ ज्वेलरी ऐड कर दी, कभी कुछ उसका ड्रेस चेंज कर दिया थोड़ा कट पीट के, तो ये सब चीज़ें मैं किया करती हूँ। मुझे आर्टिस्टिक वे अच्छा लगता है हर चीज़ में, तो कुकिंग में भी मुझे बड़ा आर्टिस्टिक, नहीं इसको ऐसे डेकोरेट कर दो, इस तरह से कर दो, तो वो मुझे आर्टिस्टिक लाइफ अच्छी लगती है, मुझे आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूँ आर्टिस्ट की। जी, लाइफ में आपने इतना कुछ हासिल किया, तो ये सब करने के बीच क्या क्या चुनौतियाँ, एक महिला हैं आप, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ देखिए, एक महिला के लिए सबसे पहले घर से ही आती हैं, क्योंकि जब मेरे साथ भी हुआ, तो जब मैं मतलब मेरा डिवोर्स हुआ करीब 2011 की बात है, तो मेरे साथ भी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मेरे दो बच्चे और मैं कैसे इनको आगे लेके सर्वाइव करूँगी लाइफ। तो एक बार तो लाइफ में लगा कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर ईश्वर ने बहुत हिम्मत दी मुझे, तो मतलब मैं बहुत दुर्गा जी और शिव जी को बहुत पूजा करती हूँ, मुझे मतलब दिल से लगता है। तो फिर उसमें ये हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं आपको एस्टैब्लिश होना है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको तो पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, अब उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, हमारी है। तो उसके लिए मैंने फिर
जब जॉब किया, अपना काम शुरू किया पार्ट टाइम में, तो लगता था बच्चों को छोड़ के जाने में, क्योंकि बींग अ मदर थोड़ा सा कष्ट होता था कि नहीं छोटे बच्चे हैं, कई जगह बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हुए, कई चीज़ें हैं कि मुझे बच्चों को लेके जाना पड़ा। तो बहुत छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, मतलब छोटा वाला बेटा मेरा 3 महीने का था और बड़ा वाला बेटा मेरा 2.5 साल का था, तो उतने छोटे बच्चों को ले जा के मैंने वर्क किया। बहुत कड़ी धूप में भी मैं गई हूँ और दोनों बच्चों को स्कूटी पे बिठा के, तो मुझे ये लगता था, पहले मन में आता था कि बच्चों को धूप लग जाएगी, बच्चों बीमार ना पड़ जाए, लेकिन फिर ये आता था कि अगर मैं आज नहीं करूँगी तो कल को मैं इनको एस्टेब्लिश नहीं कर पाऊँगी। ये भी किया, बारिश भी नहीं देखी, दिन रात भी एक किए, क्योंकि जब ऑर्डर्स हमारे पास, जैसे इसके आर्टिस्टिक वे में मड के ऑर्डर्स आते थे या हमारे पास डिज़ाइनिंग के ऑर्डर आते थे, तो उनको भी जब हमें बाहर बायर को देना होता था, तो हमारे पास बहुत बड़ा कोई ऐसी टीम नहीं थी, हमारे लिमिटेड 7-8 लोग जो हमारी टीम के हैं, जो कोर टीम में वर्क आपके साथ कर सकें, तो उनके साथ ही हम काम करते थे। तो दिन में तो आप किसी से भी काम करवा सकते हो, लेकिन रात में नहीं करवा सकते हो। तो रात में कई बार मैं, मेरे साथ मेरे बेटे बैठ के अपना करते थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाची लोग, वो लोग सब बैठ के करते थे। तो थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं था जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था कि बल्क में हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे। मुझे लगा था कि लोग पसंद कर रहे हैं तो 3-4 पीसेस, 4-5 पीसेस पसंद करेंगे, लेकिन जब हमारे पास 100s में 50s में ऑर्डर आने लगे, वो भी मतलब सिटी के बाहर के, तो हमें उसे पहुंचाना एक चुनौती हो गया। तो फिर हमने दिन रात काम किया, और लास्ट ईयर जब कोविड था उस टाइम पे जब हमें भेजना था, तो 20-22 दिन हो गए थे कि हमारी दिन रात कैसे जाती थी हम लोगों को पता नहीं चलता था। तो संघर्ष तो खैर सभी के जीवन में होता है, और बस ये है कि अगर आप उसे हंस के काटेंगे ना, तो दिन बहुत अच्छे कट जाते हैं। तो मुझे अपने जुनून को पूरा करने के लिए कुछ भी अगर मुझे आर्टिस्टिक लगता है, या कहीं भी मुझे लगता है कि नहीं ये काम मुझे मेहनत से करना है, क्योंकि मैं मेहनत पर बहुत विश्वास रखती हूँ, तो वो मैं करने में पीछे नहीं रहती। हर किसी का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, तो आपका कौन है? मेरी प्रेरणा स्रोत तो माँ दुर्गा हैं, तो उन्होंने ही शक्ति दी। बाकी मेरे घर में मैंने शुरू से बहुत आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर देखा है, मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत आर्टिस्टिक थे, मेरे मतलब मदर बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, तो मुझे लगता था कि मैं ये भी बन जाऊँ। मेरे चाचा बहुत अच्छे म्यूज़िक प्लेयर हैं, तो मुझे लगता था, म्यूजिशियन है चाचा मेरे, तो मुझे लगता था नहीं मुझे गाना गाना चाहिए। फिर एक चाचा मेरे बहुत अच्छा डांस करते थे, तो मुझे लगता था नहीं मुझे डांस भी करना है। तो वो थोड़ी 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 चीज़ें आती रही कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। तो एक बच्चे को प्रेरणा सबसे पहले अपने घर से मिलती है, तो मुझे भी सबसे पहली प्रेरणा मेरे घर से ही मिली, मेरी दादी लोग, मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स, और उसके बाद मेरे दोस्त, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, हमारे टीम में जितने लोग हैं। और क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेरणा जब हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, अनूप घोष जी, तो जब मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, तो उन्होंने बोला कि नहीं देखो आप, तुम तो ये सब काम करती हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम पीछे हट जाओगी, चुनौतियाँ तो आती रहती हैं हर एक की लाइफ में, तो आगे बढ़ो और काम करो। तो उनसे मुझे बहुत सपोर्ट और बहुत प्रेरणा मिली, और आज तक मिलती है। बाकी मैं दुर्गा जी को ही प्रेरणा स्रोत मानती हूँ कि मतलब वो तो 9 दिन जैसे रहते हैं कि हर शक्ति आपके पास रहती है, आप किसी भी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो अगर आप ईश्वर की प्रेरणा अच्छे से कीजिए, ईश्वर को अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए, तो आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। जी, आप एक सक्षम महिला हैं, तो आप एक महिला होने को कैसे देखती हैं? महिला होती है बहुत खूबसूरत सी होती है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी। और महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। खाली मत बैठिए, आप कुछ भी छोटा छोटा काम कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करे, हर इंसान बाहर निकल के काम करे। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम घर से करते हैं। और एक महिला में देखिए, जो महिला एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो कभी कमज़ोर तो होती ही नहीं है। तो महिलाएं कमज़ोर नहीं होती हैं। हाँ, ये है कि मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगती है पुरुषों की, स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि जब आपस में बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उस समय किसी भी महिला को बीच में ना लाया करें, क्योंकि उस जगह खाली दूसरी महिला ही नहीं, आपके अपने परिवार की भी मदर, आपकी बहन, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एक महिला को कभी भी महिला समझ के देखिए,
और जो लेडीज होती हैं आपस में कंपटीशन बहुत रहता है, ये फितरत होती है। तो अगर उस कंपटीशन को छोड़ के अगर आप चुपचाप से अपना काम कर रहे हो और एक दूसरे को सहायता करते जाओगे, एक दूसरे का संबल बन के खड़े होंगे, तो मैं मानती हूँ कि सोसाइटी में बहुत से चेंजेस लेडीज एक ला सकती हैं। जी, हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है, श्रद्धा सक्सेना का क्या सपना है? मेरा सपना तो बहुत छोटा सा है कि बस मैं खुश रहूँ, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे से जुड़े सारे लोग खुश रहें और कोई परेशानी ना हो। और कभी भी मतलब मैं अपना जब भी सैलून वगैरह डालूं तो वो बहुत अच्छा रन करे और ऐसे ही सुंदर सुंदर लड़कियों को, सुंदर सुंदर महिलाओं को सजाती रहूं और वो खूबसूरत सी लगती रहे। बाकी ऐसा तो कोई भी सपना नहीं है, बस ईश्वर सबकी रक्षा करे। प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? प्राइम टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे आज यहाँ अपने विचार रखने का मौका मिला। और जैसा कि हमारी एंकर ने पूछा, इतने सारे सवाल पूछे, इतने सधे हुए शब्दों में इन्होंने सवाल पूछे, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कि प्राइम टीवी आपके, जैसे आप भी अगर यहाँ आते हो तो आपको आपके ज़रिए आपकी ज़बानी आपकी कहानी सुना सकते हैं, और आप क्या हो, कैसे हो, ये प्राइम टीवी के ज़रिए लोगों को जानने का मौका मिलेगा। और मैं चाहती हूँ प्राइम टीवी आपका बहुत ही आगे जाए, लोगों के बीच में रहे। तो ये थी श्रद्धा सक्सेना, जो एक समाज सेवा का बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और जिन्होंने अपने कई विचार रखे। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।